आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। टीवी की मशहूर एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी ने अपनी एक्टिंग और अपने अंदाज से लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बनू मैं तेरी दुल्हन से टीवी पर कदम रखने से लेकर खतरों के खिलाड़ी तक की राह तय करने वाली दिव्यांका त्रिपाठी खूब चर्चा में भी रहती है। यूं तो दिव्यांका त्रिपाठी ने कई रियलिटी शो में हाथ आजमाया है, लेकिन जल्द ही वो भारत के सबसे बड़े रियलिटी शो में नजर आने वाली है। खबर आ रही है कि दिव्यांका सलमान खान के शो बिग बॉस 16 में नजर आ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिव्यांका त्रिपाठी को सलमान खान के शो बिग बॉस 16 के लिए अप्रोच किया गया है। इसके साथ ही दिव्यांका त्रिपाठी और बिग बॉस 16 के मेकर्स के बीच शो को लेकर बातचीत भी जारी है। हालांकि अभी तक किसी की ओर से बिग बॉस 16 पर ऑफिशियली तौर से बयान नहीं दिया गया है। बता दें, दिव्यांका त्रिपाठी को इससे पहले भी बिग बॉस के कई सीजन्स के लिए अप्रोच किया जा चुका है, लेकिन एक्ट्रेस ने खुद ही शो में कदम रखने से मना कर दिया था। दिव्यांका त्रिपाठी ने अपने कई इंटरव्यूज में भी बताया है कि वो शो के लिए नहीं बनी है और ना ही वो शो के फॉर्मेट में खुद को फिट होती दिखती है। लेकिन अब एक्ट्रेस को लेकर कहा जा सकता है कि अगर मेकर्स और उनके बीच बातचीत सही चली तो उन्हें बिग बॉस 16 में देखा जा सकता है। अगर दिव्यांका बिग बॉस सीजन 16 में नजर आती है तो इस बार शो की टीआरपी में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि दिव्यांका के लोगों के बीच बेहद ही जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। वो जिस भी शो में नजर आती है वो टीवी का सबसे पॉपुलर शो बन जाता है। ये है मोहब्बतें, तो आपको याद ही होगा ये शो टीआरपी में हमेशा टॉप में बना रहता था। बता दे, दिव्यांका त्रिपाठी ने खतरों के खिलाड़ी 11 में भी खूब धूम मचाया था। वो शो की फर्स्ट रनर अप रही थी। साथ ही उन्होंने रोहित शेट्टी के शो के हर एक स्टंट को भी बखूबी परफॉर्म किया था। और अब कहा जा रहा है कि वो बिग बॉस 16 में अपनी नई पारी की शुरुआत करने वाली है। दिव्यांका से पहले पूनम पांडे को लेकर भी ऐसी ही खबर आई थी। उन्हें भी सलमान खान के शो के लिए अप्रोच किया गया था। देखने वाली बात तो अब ये होगी कि दिव्यांका इस शो में नजर आती है या नहीं। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।